हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे एनटीए के रिज़ल्ट में गड़बड़ी के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इस बार रिज़ल्ट जो है बहुत ही चौंकाने वाला था। और सबसे बड़ी बात, सीजीआई ने बोला था, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ था, सीजीआई ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा था कि 14 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है, 14 जून को, और डेट जो है आगे पीछे नहीं होगा। फिर भी एनटीए के बोलने के बाद भी, एनटीए के आपके अपडेट के बाद भी, रिज़ल्ट जो है वो 4 जून को यानी कल के डेट में आया था, जो किसी ने ना सोचा था और ना ही किसी को अनुमान था। और रिज़ल्ट आने के बाद लोगों को दिखाई देता है कि इस रिज़ल्ट में इंडिया में सबसे बड़ा कट ऑफ इस बार आया है। ऐसा ना 2017 में हुआ था, ना 2016 में हुआ था, ना 2018 में, ना 2021 में, ना 2022 में, ना 2023 में। इस बार इंडिया का जो कट ऑफ आया है, जस्ट क्वालिफाई कट ऑफ, वो जनरल कैंडिडेट के लिए 164 और ओबीसी एसटी और एससी के लिए 129 आया है। मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है जो इतना हाई लेवल का कट ऑफ आया है। जस्ट क्वालिफाई कट ऑफ 164 स्कोर है। और इस बार भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 69% के 720 स्कोर आए हैं। 4 साल पहले की बात करूं तो 3 स्टूडेंट के 720 स्कोर आए थे, बट इस बार ऐसा हुआ है कि 69% के 720 स्कोर आए हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित है। और चलिए, 720 स्कोर आया भी है, वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, बट ये 719, 718, 717 स्कोर कैसे आया है? आप खुद कॉमन सा सोच सकते हैं। एनटीए जो है इस चीज़ को ध्यान दे सकती है, क्योंकि 719 और 18 और 17 स्कोर आना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, या सही चीज़ों को नहीं दिखाता है। साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि रिज़ल्ट के अंदर गड़बड़ी हुई है। आप कॉमन सा बात सोचिएगा, एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत होता है तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन गलत होने के बाद आपको 1 नंबर आपका एक क्वेश्चन गलत होने के सेंटम पे काटे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन गलत अगर होता है तो 5 नंबर यहाँ पे आपका कटेगा। तो यहाँ पर 719 और 718 स्कोर जो है बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो हम आशा करेंगे एनटीए अपने रिज़ल्ट में फिर से सुधार करेगा, और जो बच्चे बहुत ही मेहनत करके 650, 640 स्कोर लेके आए हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक बेस्ट आपको जो है ऑप्शन लेना पड़ेगा। आपको कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको नॉलेज जो है आपको हर एक कॉलेज के बारे में उठाना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए 650 और 655 स्कोर जो है वो हर साल जो पर्सन है 650 और 655 नंबर ले के आने वाला स्टूडेंट, वो एम्स में भी क्वालिफाई के लिए जाता था। बट इस बार का जो कट ऑफ इतना हाई हुआ है कि 610 और 620 नंबर वाले स्टूडेंट परेशान हैं कि मेरा एडमिशन क्या हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में, सोचने वाली बात आ जा रही है। क्योंकि 630 नंबर का जो है आपका, 630 या 635 नंबर का अगर रैंकिंग की बात करें तो 45,000 रैंकिंग अप्रॉक्स 635 स्कोर की आ जा रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतने रैंक पे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में नहीं है। और साथ ही साथ 719 और 718 के या 717 स्कोर जो है, ये बिल्कुल ही गलत रिज़ल्ट जो है एनटीए ने यहाँ पे दर्शाया है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि एनटीए अपने रिज़ल्ट में सुधार करेगा, और अगर नहीं करता है तो ये जो ऑब्जेक्शन हम लोग उठा रहे हैं, इस ऑब्जेक्शन को देखते हुए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ अगर जानना हो, और जिनके भी स्कोर 719 या 718 आए हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम इसको आगे फॉरवर्ड करवाएंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। और फिर भी कोई ऑब्जेक्शन हो, 600 प्लस स्टूडेंट के लिए किसी भी तरह से कोई हेल्प हो सके हमारी तरफ से, तो बिल्कुल की जाएगी, उनके मेहनत पे पानी नहीं फेरा जाएगा, ठीक है। और फिर भी कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने परेशानी का समाधान ले सकते हैं। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू अपडेट्स लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।